सोनी टीचर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मेड़ा कोठी हिसार में कार्यरत हूँ। इससे पहले मैंने 14 जनवरी 1994 को बतौर JBT भिवानी जिला के शिवानी खंड में डाणी मिरान में JBT पद पर कार्य ग्रहण किया था। 1998 से लेकर के 2001 तक मैं DPP प्रोग्राम के तहत CRC के पद पर कार्य किया। उस 1998 से लेकर के 2001 तक मेरे जो अनुभव रहे शायद ही कभी रहे हों, क्योंकि उस दौरान DPP का प्रोग्राम नया नया प्रोग्राम था और मैं उस DPP के प्रोग्राम के अंदर एज ए मास्टर ट्रेनर जो मोटिवेशनल ट्रेनिंग चली थी हिसार के 9 ब्लॉकों में सभी में मैंने मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग दी थी जो कि मोटिवेशनल ट्रेनिंग के रूप में थी। उसके बाद मैं किकराल में और फिर कलवास में कार्यरत रहा। अब 8 अगस्त 2019 को मेरी टीचर के पद पर प्रमोशन हुआ जो कि मुझे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मेड़ा कोठी स्टेशन मेरे को मिला। ये जो स्कूल बना था ये उड्डा डिपार्टमेंट की तरफ से 1992 में अस्तित्व में आया था और जो इसकी जो नई बिल्डिंग बनी थी वो 2002 में इसका शिलान्यास हुआ और 22 जून 2003 को माननीय मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने इनका उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। इस स्कूल का नाम मेड़ा ग्राउंड क्यों पड़ा, क्योंकि इस ग्राउंड के अंदर 2002 से पहले पशुओं का मेला लगता था। पशुओं का मेला लगने के कारण ये मेला ग्राउंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब से लेकर के पशुओं का मेला बंद होने के कारण यहाँ सेक्टर का रूप ले लिया और सेक्टर में ही ये स्कूल स्थापित हुआ। मेरे स्कूल के अंदर 203 बच्चे हैं जिसमें से 107 लड़के और 96 लड़कियां हैं। स्कूल में ज्यादातर बच्चे गरीब परिवार से संबंधित हैं जो कि मजदूरी करते हैं या कहीं बाहर अपनी आजीविका कमाने के लिए जाते हैं। अभी भी कुछ दिन पहले एक अरविंदो सोसाइटी की तरफ से हमारी इंट्रोडक्शन मंजीत सिंह के रूप में हुई। उन्होंने हमारे हिसार जिले के 20 टीचर इसमें शामिल हैं। उन्होंने हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू की जो कि 28 सितंबर से हमारी इंट्रोडक्शन हुई। 29 सितंबर को फर्स्ट मॉड्यूल का हमारी ट्रेनिंग ऑनलाइन शुरू हुई। 6 अक्टूबर को सेकंड मॉड्यूल, 13 अक्टूबर को थर्ड मॉड्यूल, 28 अक्टूबर को फोर्थ मॉड्यूल और 27 अक्टूबर को फिर 5वां मॉड्यूल हुआ। 5 नवंबर को 6ठा मॉड्यूल हुआ। 24 नवंबर को हमारी एक 4 घंटे की मीट हुई केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश जी से, जिसमें हमारे हिसार जिले के लगभग पूरे भारतवर्ष के टीचर उसमें ऑनलाइन मीट में थे, कॉन्फ्रेंस थी। उनमें हिसार जिले के 20 टीचरों ने भाग लिया और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हुई। वो जो परफॉर्मेंस हुई उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इससे पहले जो हमारी ट्रेनिंग होती थी वो ऑफलाइन होती थी, उसमें कुछ सीखने को मिला। दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि कोरोना 19 की वजह से स्कूल बंद होने के कारण ये जो हमारी ट्रेनिंग चली है ये ऑनलाइन चली है। ऑनलाइन ट्रेनिंग जितना बच्चों के साथ होती उतना मतलब अच्छा ये ऑनलाइन नहीं हुई। हमने ये सुझाव भी दिया कि अगर यही ट्रेनिंग हमारे कक्षा के बच्चों के साथ होती तो बहुत अच्छा होता, बच्चे भी कुछ सीखते, हमारी भी सहभागिता होती और बच्चों की भी साथ में सहभागिता होती और हमारा कुछ परिणाम बहुत अच्छा होता। उस ट्रेनिंग से जिसका अध्यापक भाग नहीं लेना चाहता था, लेकिन जो मोटिवेशनल जो ट्रेनिंग हुई
उस शुरू शुरू में तो अध्यापकों के अंदर झिझक थी कि हम ऐसा नहीं करेंगे वैसा नहीं करेंगे। जब जब 10 दिन की ट्रेनिंग पूरे 7 जिलों के हरियाणा के 7 जिलों के अंदर पूरी हुई, सभी अध्यापकों ने मान लिया कि अध्यापक के लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। हमारा सौभाग्य है कि ये अरविंदो सोसाइटी की तरफ से हमें मौका मिला, ZIIELIP SARC जो इसके कोऑर्डिनेटर मनजीत सिंह जी हैं उनसे हमारा संपर्क हुआ। 20 अध्यापकों ने अभी भी भाग ले रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है सभी का। ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है, सबके सुझाव आ रहे हैं कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, इसमें क्या और होना चाहिए, इस प्रकार के सभी टीचर सुझाव दे रहे हैं। तो हमें बहुत ही अच्छा मौका मिला। ये जो आप देख रहे हैं मेरे कार्यालय का ऑफिस है। इस प्रकार के हिसार जिले के अंदर 2 ही स्कूल थे, एक तो सेक्टर मेला ग्राउंड के अंदर, दूसरा उधर सेक्टर 16-17 के अंदर। 2 स्कूल ही उड्डा ने बनाए थे, उड्डा डिपार्टमेंट ने। तो दोनों ही आज बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। मैं ये मेरे कार्यालय का वो है, मैं थोड़ा बाहर की तरफ से मेरे स्कूल का वो लोकेशन दिखाना चाहता हूँ। कृपया आप मेरे स्कूल की लोकेशन की तरफ भी देखिए, ये मेरा कार्यालय है और ये है बाहर की पोर्च है, ये मेरे अंदर का इधर कीजिए थोड़ा, ये मेरे अंदर का ग्राउंड है जहाँ मॉर्निंग असेंबली होती है, बच्चे प्रार्थना करते हैं। और इधर बाहर का मेन रोड जो है वो ये बाहर का मुख्य गेट है और ये अंदर की पोर्च है जो अभी उधर थोड़ा हाँ। ये देखिए इधर मेरे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के स्टाफ का जो चार्ट लगा हुआ है, इसमें मैं टीचर और नीचे जो 7 का स्टाफ है वो मेरा JBT का स्टाफ है। स्टाफ बहुत ही मेहनती है। इसी ग्राउंड के अंदर, इसी विंग के अंदर एक स्कूल और चल रहा है जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बीड के नाम से है, उसमें भी 148 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग छोटी होने के कारण अभी सरकार से मांग की है कि या तो बिल्डिंग और बनाई जाए या इस स्कूल को कहीं और शिफ्ट किया जाए। सौभाग्य की बात यह है कि ये स्कूल मॉडल संस्कृति के स्कूल के नाम से बन गया है, जो कि हरियाणा के 1000 स्कूलों में से इस स्कूल का नाम भी मॉडल संस्कृति स्कूल के नाम से आया है। यहाँ का समुदाय, यहाँ के MC, यहाँ का स्टाफ पूरी मेहनत और लगन से काम कर रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये स्कूल दिन दोगुनी रात दोगुनी इसी प्रकार तरक्की करता रहे और जो गरीब बच्चों के पेरेंट्स के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करके 1 अप्रैल से क्लास 1st और 2nd इंग्लिश मीडियम के रूप में होंगी। तो सेक्टर से भी जो अच्छे घराने के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम भी इस स्कूल के अंदर एडमिशन दिलाएंगे, बच्चों को दाखिला दिलाएंगे ताकि ये इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है वो हाई स्कूल तक चला जाए और हमारे बच्चे यही शिक्षा ग्रहण करें। मैं भगवान से और विभाग से भी प्रार्थना करता हूँ कि हमारा स्कूल इसी प्रकार उन्नति करता रहे। धन्यवाद।